हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। सो आज जिस प्लांट का हम वीडियो बना रहे हैं वो है हमारा कॉक्सकोम। इसे वेलवेट का भी प्लांट कहते हैं हमारे यहाँ, और ये बहुत अच्छे से ग्रो करता है। समर में आपके पास ये होना ही चाहिए गाइस, और ये कितना भी धूप टॉलरेट कर लेता है गाइस। और ये हमने सब सीड से ही उगाए, ये जो फ्लावर आ रहा है इसके ऊपर, इसमें बाद में सीड बनते हैं। एक बार ये थोड़ा और ग्रो हो गया, जब बड़ा हो जाता है इसके बाजू से ही इसके न्यू ये निकलते हैं, ब्लैक ब्लैक सीड्स निकलते हैं इसमें से। और इसकी ग्रोथ आप देख ही सकते हैं, ये बहुत अच्छे से बढ़ रहा है। और ये नीचे भी और आ रहे हैं, आप देख ही सकते हैं, छोटे छोटे भी है और बड़े भी हैं। हमने सिर्फ इसमें सीड इसके बिखेर दिए थे गाइस, और ये बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है। आप भी इसे ग्रो कर सकते हैं। और इसे अगर सॉइल की अगर आप बात करें तो इसे वेल ड्रेन सॉइल चाहिए, बिल्कुल भी मॉइस्चर होल्ड नहीं करनी चाहिए इसकी सॉइल। इसे एकदम ड्राई सॉइल अच्छी लगती है, ये देख ही सकते हैं आप। जितना कम मॉइस्चर रहेगा वो उतना ही अच्छे से ये ग्रो करेगा। ये कुछ छोटे छोटे इसमें आ रहे हैं गाइस, नीचे से दिखाता हूँ आपको। ये आप ये राइट साइड वाले पे आप ये देख सकते हैं, सीड अभी भी है उसके लीव्स पे ब्लैक कलर का। और ये देखिए इनके रूट्स, बहुत बहुत रूट्स निकलते हैं इसके, ज़्यादा नीचे भी नहीं जाते ये रूट्स। और अगर फर्टिलाइज़र की बात करें तो हमने इसमें यूज़ किया है लीफ मोल्ड कंपोस्ट, और लिक्विड कंपोस्ट फर्टिलाइज़र भी यूज़ किया है, और गोट मैन्योर तो हम हमेशा ही यूज़ करते हैं। गोट मैन्योर से बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है गाइस, इसके लीव्स आप देख ही सकते हैं, और इसमें कोई पेस्ट भी नहीं लगता है, ये पेस्ट रेजिस्टेंट पौधा है। हाँ, सिर्फ अगर आपने इसे पानी ज़्यादा दिया तो ये ख़राब हो जाएगा गाइस, इसके रूट रॉट बहुत जल्दी हो जाता है ज़्यादा पानी से। इसे आप गर्मियों में एक ही बार पानी दें, और ये बाद में इसके सीड आप कलेक्ट करके रख सकते हैं। इसमें से जो सीड निकलेंगे वो आप अगले सीज़न के लिए बचा के रख सकते हैं, ये बारिश में और ठंडी से ख़राब हो जाता है। और आप इसे एकदम कम केयर में भी ये बहुत अच्छे से आपको फ्लावर देगा, और ये दिखने में बहुत अच्छा लगता है। सो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो के साथ, तब तक बने रहिए हमारे चैनल पर।